बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके फोन के बजे घंटी जब भी हो मेरे चैनल पर न्यू वीडियोस की एंट्री। सानिध्यास, कटहल की सब्जी खाना बहुत लोगों को पसंद नहीं, पर आज मैं आपको जिस तरीके से बनाना सिखा रही हूँ ये सब्जी आप ज़रूर बनाइए। ये शाही कटहल कोरमा आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। ये आधा किलो कटहल है, इसके साथ मैंने एक बड़ी प्याज स्लाइस करके रखी है। दो आलू, बड़े आलू को मैंने स्लाइस करके हल्का शैलो फ्राई कर लिया है। एक बड़ी प्याज को मैंने स्लाइस करके फ्राई करके रख लिया है। इसके साथ मैं एक बड़े चम्मच पोस्तदाना और 7-8 काजू को पानी में भिगो के रखा है और एक बड़ी चम्मच मैंने दही लिया है। इसके साथ अब मैं इसमें कटहल में थोड़ा सा बेसिक मैरिनेशन करूँगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक के साथ एक छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इन सबको मैं बस यूं ही मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके मैं 10 मिनट इसे छोड़ दूँगी और फिर इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मैंने मिट्टी का बर्तन चढ़ाया है, इसमें सरसों का तेल मैंने थोड़ा ऐड कर दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं कटहल को डाल देती हूँ। इसे हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कटहल बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम इसे से निकाल लेते हैं। इस ऑयल में मैं एक बड़ी चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी शाही डिश है तो इसमें घी पड़ना कंपलसरी है और इसे टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। घी हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें 2 तेज पत्ते, 2 सूखी मिर्च, थोड़े से ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, कुछ लौंग, बस इसे हम इसे ऐड कर देंगे और थोड़ा चटकने का इंतज़ार करते हैं। खड़े मसालों की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसे शाही डिश में ज़रूर से डालें। अब इसमें मैं ये कटे हुए प्याज ऐड कर दे रही हूँ। प्याज को हमें थोड़ा भून लेना है। प्याज हमारा थोड़ा भून गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज लहसुन भून गया हमारा, अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच तीखी मिर्च, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च और छोटी चम्मच हल्दी मिर्च पाउडर लिया है। इन सबको इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इन सबको भी 2 मिनट भून लेना है। मसाले हमारे भून चुके हैं, अब मैं इसमें ये काजू और खसखस का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो अनियन का हमने फ्राई करके रखा था उसका भी पेस्ट बनाया है, इसे भी ऐड कर देंगे। इसे भी 2 मिनट हमें भून लेना है। सभी मसाले हमारे भुन गए हैं और मसालों में से अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो हमने दही रखा था इसे अब ऐड कर देंगे और फिर इसे चला लेंगे। दही डालते समय आप फ्लेम को थोड़ा कम कर दें, इससे हमारा दही बिल्कुल नहीं फटेगा और बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा। इसे भी 2 मिनट लगातार चलाते हुए पकाएंगे। मसाला पूरा भुन गया है और इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें ये भुने हुए कटहल और आलू को ऐड कर देती हूँ। और इसे 2 मिनट चला लेंगे। कटहल भुन गया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, करीब आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर रही हूँ। नमक थोड़ा सावधानी से डालें क्योंकि कटहल में हमने नमक ऑलरेडी डाला है। इसे अच्छे से मिला करके ढक करके 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे।
कि मेरा कटहल काफ़ी नरम है, इसलिए मैं इसे इसी में पका रही हूँ। अगर कटहल थोड़ा सा कड़ा हो तो आप कुकर में भी 2 सीटी लगा सकते हैं। इसे ढक करके 15 से 20 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। वाओ, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, साथ ही कुछ धनिया के पत्ते को डाल देंगे। बस इसे मिला देंगे और उतार लेंगे। आप एक बार अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। फेस्टिवल के दौरान, होली वगैरह के दौरान आप जब भी बनाएं, इसे बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। डिलीशियस शाही कटहल कोरमा बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। एंजॉय द फूड।